वीडियो पर आने वाले सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं जानता हूं आप लोग कोई लिफ्ट अपने घर के लिए देख रहे हैं, तो सर्च करके आप इस वीडियो पर आए। तो सबसे पहले मैं आपको इस लिफ्ट के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो बताना चाहता हूं। जैसे सबसे पहले ये एक बेसिक लिफ्ट है, यानी बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। तो बनाने से क्या होता है, कॉस्ट कम आती है, पर हमारा पर्पस तो नीचे से ऊपर जाना या ऊपर से नीचे आने का लिफ्ट से वो पूरा हो जाता है। बट इसमें एक चीज है कि इस लिफ्ट को हम डोमेस्टिक हाउसेज में लगाते हैं, लेकिन 35 फीट की हाइट तक इसको हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हम 2 HP की मोटर यूज करते हैं, तो इसमें जो बिजली का खर्च है वो बहुत कम हो जाता है। अच्छा, लाइट जाने पर यानी पावर कट होने की स्थिति में इसमें एक ऐसा बैकअप रहता है जो आप लाइट जाने के बाद भी लिफ्ट को नीचे ला सकते हैं। इसमें कोई गड्ढा नहीं खोदना पड़ता और कोई मशीन रूम नहीं बनाना पड़ता जैसा कि कन्वेंशनल लिफ्ट में बनाना पड़ता। हाँ, हाइड्रोलिक लिफ्ट हमेशा मेंटेनेंस फ्री लिफ्ट होती है, इसमें कोई मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं होती। ये आप हाइड्रोलिक लिफ्ट का मैकेनिज्म गूगल पे या कहीं जाके भी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। कन्वेंशनल लिफ्ट की तुलना में हाइड्रोलिक लिफ्ट की जो लागत है, लगाने की जो कॉस्ट है, वो बहुत कम होती है उसके कंपैरेटिव में। बिजली का खर्च बहुत कम है, ना के बराबर है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। एक चीज और इम्पोर्टेंट, हम लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नॉर्थ इंडिया में है। हाँ, वन मोर पॉइंट फॉर दोज हु लिव इन साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया से लोग हैं वो हमें इस लिफ्ट के लिए कांटेक्ट ना करें, क्योंकि इस समय हम लोग साउथ में काम कर नहीं पा रहे हैं, करने में असमर्थ हैं। तो अगर आपको ये लिफ्ट अच्छी लगी तो आप कमेंट्स में बताएं और शेयर करें ताकि और लोग भी इसको देख सकें। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं इस लिफ्ट को अपने घर में लगाने के लिए, और भी बहुत सारे मॉडल हैं जो लग्जीरियस हैं, तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको और जानकारी दे सकता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मैंने इस वीडियो में भी दिया है और वीडियो के नीचे भी दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।